हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल नूडल सूप की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया, इसमें मैं डालनी हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को हम हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डालनी हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। तो 6 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने एकदम बारीक काटा है। 2 हरी मिर्च, इसे भी मैं एकदम बारीक काट के डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम कुछ सेकंड के लिए हल्का सा पका लेंगे। तो इसे मैंने कुछ सेकंड के लिए हल्का सा पका लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप स्प्रिंग अनियन। आप चाहो तो आप इसकी जगह रेगुलर अनियन को भी आप इसमें बारीक काट के डाल सकते हो। अब इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो आज मैंने जो सब्ज़ियाँ ली हैं वो ये हैं। तो 1 गाजर ली है, जिसे मैंने एकदम बारीक काटा है। 6 से 7 बीन्स लिया है, इसे मैंने एकदम बारीक काटा है। 1/2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ली है और 1 शिमला मिर्च लिया है, इसे मैंने एकदम बारीक काटा है। तो सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। सब्ज़ियाँ आप इसमें अपनी मनपसंद कोई सी भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। बस सब्ज़ियों को आपको इसमें थोड़ा सा बारीक ही काट के डालना है, तभी सूप अच्छा लगता है। अब इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो सब्जियों को यहाँ पे हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, इनमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, तभी अच्छी लगती हैं खाने में। तो सब्जियाँ यहाँ पे हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए ऊपर से इसे हम ढक देंगे, ताकि थोड़ा जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाएं। तो सब्जियों को पकाते हुए तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, सब्जियाँ यहाँ पर हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। तो एक बार इसको अच्छे से हम चला लेंगे और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मेरे पास ये नूडल मसाला है, जो मुझे नूडल के पैकेट के साथ ही मिला है। तो अगर आपके पास ये है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो इसका मैं 1 पैकेट इसमें डाल दूँगी। इसे डालने से टेस्ट अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच मैं डाल लूँ इसमें डार्क सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच मैं डाल लूँ इसमें रेड चिली सॉस। आप चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हो, सारे फ्लेवर को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। अब इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम कुछ सेकंड के लिए हल्का सा पका लेंगे। तो बस मैंने इसे 20-30 सेकंड के लिए हल्का सा पका लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी मैं इसमें 6 कप डाल रही हूँ। एक बार इसे हल्का सा मिला लेंगे और ऊपर से इसे हम ढक देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, ये देखिए। तो अब इसमें जो स्प्रिंग अनियन का जो हरा पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा डाल लेंगे और 1 छोटा चम्मच मैं डाल ली हूँ उसमें नींबू का रस। आप चाहो तो उसकी जगह आप वेनेगर भी डाल सकते हो। एक बार मिला लेंगे इसको अच्छे से हम, और इसमें अब हम अपने नूडल्स भी डालेंगे। आप नूडल्स की जगह इसमें मैगी भी डाल सकते हो, और नूडल को ना आप पहले से बॉयल करके भी इसमें डाल सकते हो। और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक नूडल्स जो है ना हमारे एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसे ऊपर से हम ढक देंगे। तो जब तक ये पक रहा है, तब तक हम कॉर्नफ्लावर का एक घोल बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया, बोल में मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, तो इसे एकदम अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और यहाँ पे देखिए, नूडल्स भी हमारे एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक बार इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो अभी हमने जो कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था, उसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो डालने से पहले एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसे डालने से ना सूप हमारा हल्का सा थिक हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल लेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो सूप है ना हमारा हल्का सा थिक हो जाए। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए और पका लिया है। तो सूप यहाँ पे हमारा हल्का सा थिक हो गया और सूप में देखिए एक अच्छी शाइन भी आ गई है। तो बस हमारा वेजिटेबल नूडल सूप बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस को बंद करने के बाद भी मैं एक बार आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। तो आप देख रहे हैं, एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है। अगर आपको ये काफ़ी पतला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर बढ़ा सकते हो, और अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो तो आप पानी डालकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो। तो बस इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय।